नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भोपाल से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी हार पर लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्यारे वाली विचारधारा जीत गई और देश में महात्मा गांधी की विचारधारा हार गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि विकास को लेकर भोपाल की जनता से उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे और वो हारने के बाद भी भोपाल के लोगों के साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने नतीजों से पहले बीजेपी की भविष्यवाणी पर सवाल उठाया। उन्होंने हैरानी जताई कि बीजेपी ने 2014 में 280 पार का नारा दिया था और उतनी ही सीटें उसे हासिल हुई। 2019 के चुनाव में उसने 300 पार का नारा दिया और इस बार भी बात सही साबित हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी छड़ी है जो कहते हैं वह पूरा हो जाता है। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को 3,64,822 मतों के भारी अंतर से पराजित किया है। पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर लगी हुई थी। अच्छा सर, आपने बताया कि जो गांधी के किलर्स की जो आइडियोलॉजी है वो जीती है और जो पीस की आइडियोलॉजी है वो हारी है, तो इज देयर एनी ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप है कि उस आइडियोलॉजी को डिफीट करने के लिए आप काम करेंगे कुछ? मेरा तो जीवन का एक बात संकल्प यही है कि इस देश की संस्कृति, संस्कार और इतिहास, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा का रहा है और यही आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के साथ हम लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी के सामने तो केवल एक ही मूल मंत्र है, वो है सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उसी रास्ते पर हम चलेंगे और चाहेंगे कि देश उसी रास्ते पर चले।